नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत और आप देख रहे हैं आज तक न्यूज 24। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने महंगाई का शतक लगाकर आम जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के भाव ने जो शतक लगाई है उसे आम जनता को जीवन उपयोगी सभी सामग्री की कीमतों में उछाल आया है, जिसे घर में रसोई से लेकर बाजार तक का आम जनता का बजट बिगड़ गया है। जनता बढ़ती महंगाई से त्राही माह कर रही है। कोरोना काल के बाद आम जनता का व्यापार व्यवसाय ठप पड़ा है और ऊपर से पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से महंगाई बेलगाम ही चुकी है। सरकार जनता को राहत पहुंचाने के बजाय टैक्स वसूली में लगी है। कांग्रेस पार्टी ने 20 फरवरी को बंद का आह्वान किया है। सबसे अपील की है कि ऐसे बंद को सफल बनाए और सरकार को जगाने में अपना सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर बड़वानी जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शेखर पाटनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महादेव भाई धननगर, युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष कैपी सिंह ठाकुर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम दादा कार्तिक चौहान, साधु राम वर्मा, सुनील चौधरी, हाजी इनायतुल्लाह और युवा कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने नागरिकों से बंद को सफल बनाने की अपील की है। इस अवसर पर दीपक पटेल, रितेश धननगर, देवेंद्र पाटीदार, मुकेश मंडलोई, मुकेश शारदिया, नयम कुरेशी और मंडल अध्यक्ष हवा भाई और विजय सनोठिया मौजूद रहे हैं। किया गया है, बात करते ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष महादेव भाई धनगर से। महादेव भाई, क्या कांग्रेस के द्वारा मांग की गई है और किसको लेकर के आपने बंद किया है? आज प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया है, जो पेट्रोल डीजल गैस रसोई आदि वस्तुओं पे जो अधिक मात्रा में भाव बढ़ गए हैं, इसके विरोध में आज हमने अंजड़ बंद का आह्वान किया है। हमारी यही है कि जो डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस के जो भाव बढ़े हुए हैं वो वापस लिए जाए। गैस की टंकी कार्तिक चौहान जी, आज जो कांग्रेस ने बंद किया इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और क्या मांगे आज? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आह्वान पर हम कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस पार्टी कमेटी अंजड़ की ओर से अंजड़ नगर को दोपहर 1 बजे तक बंद करने की हमने आम जनता और गाँव के व्यापारियों से मांग करी थी। और मैं उन लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि हमारे छोटे से निवेदन पे नगर को 100% बनकर हमारा सहयोग करा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, कि जो डीजल पेट्रोल और इनमें जो भाव में बेतहाशा वृद्धि हुई है इसे कम कर। मध्य प्रदेश सरकार से विशेष निवेदन है कि जो टैक्स देश में हर राज्यों से अधिक मध्य प्रदेश में जो डीजल पेट्रोल इनमें टैक्स लिया जा रहा है ये कम कर आम जनता को राहत पहुँचाए। बड़वानी से सकिल मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।